वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चेहरे में तुम स्क्रीन तो देख ही लिया, हालात भी देख ही लिया, चेहरे देखना ये कितना दे हालात है। तो एक गरीब तो एक मजदूर इंसान, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। अगे पिछे कोई नहीं, ना माँ ना बाप ना कोई भरा वा ना कोई भैन ही है, क्योंकि भैन जीडिया दसदा भी उत्थे यूपी के देश उत्थे गए नूं भी उन्हें 15 साल तो वध समा हो गया वा। तो उन्होंने कोई रास्ता नहीं गा, ना कोई फोन पर गल हुई कदे, ना कोई चिट्ठी ना पत्र, परिवार नाल पिछले 15 सालों तो कोई भी लिंक नहीं है। जमातू कोई ना इदा ना कर नेपाल दे नाल, ते कोई भी राबता नहीं है परिवार के नाल। इतने हाथे के उपर काम करता सीर ये पिछले इन्ने के सालों तो करीब 10-12 सालों तो पहाड़ला कल पहाड़ा कल पिंड है जी, अपने मस्तेवाड़ा रोड से शहीद भगत सिंह नगर जिले के। उतों ये वीर साढ़े को आए ने पहाड़ा कल तो सरपंच साहब ने। सरपंच साहब थोड़ा की ना जी? दिलबाग सिंह जी। दिलबाग सिंह जी भी थोड़ा? मदद करनी शुरू की, चाह पानी दलिया वगैरा जूस सूप, क्योंकि कुछ खा तो सकता नहीं। तुम देखते हो मूह के उपर कि वड्डी प्रॉब्लम, अंदरले पासे भी बहुत वड्डा जख्म आ, पूरा फेस अंदरों गल चुकया वा। हजे टैसट हो गए, पता लगेगा भी की है शायद। जी थानू पता हिंदू पंजाब दे विच साढ़े बड़ी एक माड़ी बीमारी कलैणी बीमारी है जी फैली हुई है, तो शायद वह शिकार ना हो गया हो। पर वाहेगुरू अगे अरदास करो भी वो तो बच ही जाए, क्योंकि वीर उम्र भी यदि थोड़ी हजे इन्नी नहीं हैगी बेचार की। तो सब तो वड्डी गल तो जिहड़ा उपराला कीता इन्हां वीरां ने ये बाई जी बारे ये वीर ध्यान दिता, देखिया ये हालातों, फिर इन्होंने पिंड के सरपंच साहब ने गल की, फिर सरपंच साहब के कोल गए घर, उन्होंने नाल लैके अच्छ साढ़े को आए ने इतने। तो इस वीर नाल लैके आए ने, इस वीर की कोई आइडेंटिटी नहीं गई, ये कोई ना आई डी कार्ड आ, ना कोई वोटर कार्ड आ, कुछ भी नहीं है ये कोल। सिर्फ इन्ना ही है भी इस पहाड़ला कलां के बच्चे ये वीर पिछले 12-13 सालों तो हाथे के उपर काम करता। तो ये दसण मुताबक ये भी इन्हें हाथे के उपर मीट बनया थी, तो मीट खाण लग गया, तो मीट बहुत ज़्यादा गर्म सीगा, तो वह गर्म मीट है जोड़ा ये मूँह के जाके लग गया अंदर, तो उन्हें सारा जोड़ा फेस है यदा अंदरों, तो वह जख्मी करता, तो वह मीट कंदर जुड़ गया बच्चे जाके। तो उतों बस गल बढ़ती इस लैवल चले गई, गरीब बंदा इलाज करा नहीं सकिया, छोटे डॉक्टर तो किसी तो दवाई दवुई लै ली, तो इदा ही चली गया काम। तो अमरूद के पत्ते किसी ने कहा खाण, वह खा ले, वह भी बच्चे ही फस गई, भी एक कहना प्रॉब्लम बढ़ गई है। मुन्ना नाम है, मुन्ना कला ही नाम है, पता नहीं हो कि वीर दे परिवार का जो दसद भैन कितने रिंदियाँ की लिंक कुछ नहीं पता। पर हूँ थोड़िया अरदसा के दवावान की जरूरत आ, ये वीर के हालात भी गूंगे अंग्रेज वाग चिट्टे गूंगे वाग हो सकते हैं, जिमें तुम देखिए वह पूरा फेस बहुत माड़े हालातों के बच्चा, तो वो कीड़े पै गए थे वीर के। आप उस चीज़ की वेट नहीं कर सकते भी कल इस वीर के नाल भी उही हालात पैदा हो जाए। जो वीर उन्होंने सानू दसिया तो यही गल सोच के बुलाया भी जो समा लंघ जाता फिर ज़्यादा, जो जिमें वीर से होया सी बापू सूबा सिंह से होया सी बापू लखा सिंह के मूँह के तिना बंद कीड़े पै गए बेचारे, तो समा रेंदे जो सानू पता लग गई सी गल, तो असी तुरंत वीर उन्होंने कहा भी तुसीं इन्हां नूं इत्थे लै आओ साडे कोल। अज कैंप सी शनिवार का, तुहानूं पता सवेर दे बहुत ज़्यादा शड्यूल बिजी सीगा, तो वीर उन्हें दोपहर दे आए हुए तो वेट करी जाते हैं इतने साड़ी। तो इस वीर के हालात थोड़े दूर ही दिखाने, क्योंकि फेसबुक वाले ने तो वीडियो है जी साड़ी ब्लॉक कर देनी है, तो आ फेस का तुम हालात देखो किमें बड़िया बड़िया रसौलियां वा जिहड़ियां ये बन चुकियां वा ये वीर दे, तो पस निकलती आ अंदरले पासे भी मूँह के बिच भी तो बाहरले पासे भी। तो ये एग्जाम्पल तुहाडे सामने कहिंदा वीर साडा चिट्टा गूंगा, तो ये हालात भी इदा ही शुरू हुए थे, छोटी जी एक फैंसी हुई सी, फैंसी तो बढ़ती गल कितने तक रहेगी, चंदा पूरा फेस आ जोड़ा खत्म ही हो गया, कीड़िया ने खा लिया कुछ हूँ, जी कीमोथरैपी वगैरह होंगी इस तो पहला रेडियोथरैपी हुई उन्हें सारा खत्म करता शरीर का हिस्सा। तो इस वीर इस लैवल तक ना ही जाना पवे, तुम अरदास करो वाहगुरु जी अगे सच्चे पातशाह मेहर कर, कल अभी इन्हों
ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਨਾ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੁੰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੁੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 97-803-0073 ਆ ਜੀ 82-848 ਅਤੇ 0073 ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 7-9803-0071-8284-8071 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।